प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, मेरे अजीज मित्रों, मैं आज आपका गौरव क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यू आर वेलकम इन द गौरव क्लासेज। प्यारे मित्रों, आज आपका मेंटर, आपका गुरु, आपके करियर को एक नई दिशा देने वाला, आपके करियर के लिए काम करने वाला, आपके भविष्य के लिए समर्पित आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर यूके मिश्रा आपसे मुखातिब हो रहा है। आज आपसे अपनी बातों को साझा करना चाहता है। प्यारे बच्चों, मैं विगत कई वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से बच्चों का मार्गदर्शन करता हुआ, उनके भविष्य को संवारता हुआ और उनकी करियर की ऊंचाइयों तक ले जाता हुआ सतत कार्यरत हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपने इस अनुभव को अपने प्यारे बच्चों से, अपने प्यारे दोस्तों से साझा कर लूँ। आइए हम अपने करियर की शुरुआत बताते हैं कि मैंने बच्चों का भविष्य कहाँ से संवारना शुरू किया। अब प्रशासनिक सेवा फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट के साथ तैयारी करते हुए मैंने टारगेट आईआईटी जेई काकादेव से इंजीनियरिंग आईआईटी के फिजिक्स के मार्गदर्शन की शुरुआत किया और फिर लगातार बच्चों के प्यार ने, उनके स्नेह ने ऐसा इन्वॉल्व किया कि मैं आगे नैन्सी आईआईटीएन एकेडमी नैनीताल उत्तराखंड, करियर पॉइंट हल्द्वानी होता हुआ डिफरेंट विभिन्न संस्थानों में बच्चों को मार्गदर्शन करता हुआ और आपका सतत मार्गदर्शन कर रहा हूँ। बच्चों, मैं ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर का लाइफ मेंबर हूँ, जिसमें फिजिक्स से जुड़ी हर गतिविधि के लिए मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मैं प्रोफेसर फिजिक्स के गुरु हमारे यस्सी वर्मा सर, जो कि इंडिया में जो बड़ा जाना पहचाना नाम है, जो कि फिजिक्स के में ही जी सोते जगते हैं, उनके फर्स्ट संडे क्लब का एक्टिव मेंबर हूं और उनका सतत मार्गदर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के उस मोटिवेशन से मैंने फिजिक्स को एज अ करियर बनाया। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको ये देखना है कि फिजिक्स को कैसे हम पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि आप फिजिक्स के मास्टर बन जाएं। अपने पढ़ाए हुए, अपने गाइडेंस किए हुए विगत वर्षों में ढेर सारे हजारों बच्चों ने अपने अपने करियर की बुलंदियों को छुआ है। वही मेरी गुरुदक्षिणा है, वही मेरी एनर्जी है, वही मेरा मोटिवेशन है। अपने स्टूडेंट्स रोहित जोशी पिथौरागढ़ के, उनकी ऑल इंडिया एनडीए 113 रैंक के साथ आज वो देश की सेवा कर रहे हैं। स्नेहल पंत ऑल इंडिया 139 रैंक के साथ क्वालिफाई करके आज भारत माँ की सेवा कर करके उसका नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही विभिन्न विद्यार्थी एनडीए, आईआरटी, मेडिकल, एयरफोर्स, टेक्निकल ट्रेड, यक्सवाही ग्रुप में सेलेक्ट होते हुए और अपने माँ बाप को का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ साथ हमें भी प्राइड होने का मौका दे रहे हैं। दीपक भट्ट पिथौरागढ़, जिनके पिताजी LIC में मेंबर हैं, उन्होंने ऑल इंडिया 163 रैंक IIT में लाकर, फिजिक्स CBSE में 100 में 99 मार्क्स ला करके और हमें बड़ा ही गौरवान्वित किया, हमें बड़ा ही प्लीजर होने का मोमेंट दिया। इसी तरीके से मिस्टर सुवेंदु अमिताभ, जो CBSE में 98% मार्क्स के साथ, नीट में 462 मार्क्स के साथ अपना MBBS कंप्लीट कर रहे हैं। ये कहानी अनंत है, ये कहानी हजारों में है, ये कहानी जो है सैकड़ों लाखों कम में है और उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं का मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने के लिए, आपसे जुड़े रहने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। तो
तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस ज्ञान को, अपने इस अनुभव को अपने इन विद्यार्थियों से, अपने इन प्यारे मित्रों से साझा करूं, जिससे मैं आपके काम आ जाऊं, आपके करियर के लिए काम आ जाऊं, आपकी जिंदगी के लिए काम आ जाऊं, आपकी जिंदगी में मैं कुछ एक नई प्रेरणा लेकर के, नई एनर्जी लेकर के कुछ मैं पधार सकूं, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है। हमारा दिन रात पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम, आपके जीवन को संवारने का काम, कांसेप्ट पर करने का काम है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपने नॉलेज का थोड़ा हिस्सा आपके साथ शेयर कर लूँ। बच्चों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम फिजिक्स को कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कैसे सॉल्व करें, कैसे करें कि न्यूमेरिकल के टॉपर बन जाएं, कैसे करें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कैसे करें कि हम हर एक एग्जाम में फिजिक्स हमारे लिए एक बैरियर न रह जाए, हम बिना टेंशन के, बिना डर के, बिना तनाव के, बिना किसी उलझन के फिजिक्स को जाते ही 100% क्रैक करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी आ जाए, मैं ये चाहता हूं। आज उसी उद्देश्य के लिए, उसी टारगेट के लिए, उसी कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, क्यों फिजिक्स को टफ माना जाता है, ये तो एक हवा फोबिया क्यों फिजिक्स का क्रिएट किया गया, जबकि ये सबसे इजी सब्जेक्ट, सबसे इजी कॉन्सेप्ट के साथ डेली लाइफ से जुड़ी हुई, आपके दैनिक जीवन में घुली मिली हुई है, तो आखिर इसे हम लोगों ने फोबिया क्यों बना रखा है। आइए हम देखें फिजिक्स के कौन से टिप्स हैं, कौन से गुरु मंत्र हैं। मैं आपका फिजिक्स गुरु हूं तो गुरु मंत्र तो दूंगा ही दूंगा ना, मत बताना किसी से गुरु मंत्र देता हूं। आइए देखें फिजिक्स के कौन से गुरु मंत्र हैं जिसके बेसिस पर आप आने वाले एग्जाम में टॉपर बनेंगे और साथ साथ हमें भी प्राइड होने का मौका देंगे। बच्चों, फिजिक्स इजी है, फिजिक्स बहुत इजी है, ऐसा नहीं मैंने फिजिक्स पढ़ी इस, मैंने पीएचडी किया इसलिए फिजिक्स को इजी बता रहा हूं, फिजिक्स वाकई में इजी है। फिर आपको टफ क्यों लगती है? हाँ, बिल्कुल जायज प्रश्न है, हमें भी टफ लगती थी, मैं भी छोटा था फिजिक्स सर के ऊपर से उड़ती थी, लेकिन बाद में आपको करना क्या होगा, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, उसके एप्लीकेशन को सीखना होगा, उसके तरीकों को सीखना होगा, उसको मेमोराइज करने के बजाय, रटने के बजाय उसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा कि फिजिक्स जो है, जो कि दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, सुबह आप उठते हो ना, मंजन करते हो, मंजन करने के लिए आप नल की टोटी खोलते हो ना, टैप को ओपन करते हो, ओपन करने में आप क्या फिजिक्स अप्लाई कर रहे हो? मोमेंट ऑफ कपल, जिसे क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। और आप कार ड्राइव करोगे, आगे चल करके अपनी खरीदोगे, तो कार ड्राइव करते हो, स्टेयरिंग घुमाते समय क्या अप्लाई करते हो? मोमेंट ऑफ कपल। उसके बाद आप बाथिंग करने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान को याद करते हो ना, कहते हो ओम जय जगदीश हरे, तो जब आप आरती करते हो तो उसमें आपके आपके आवाज का उतार चढ़ाव, जिसे हम लाउडनेस या तीव्रता कहते हैं, वहां पर आप ध्वनि साउंड के गुणों का यूज करते हो कि ध्वनि का तारत्व तो पिच क्या है, ध्वनि की लाउडनेस मीन्स उसका लेवल क्या है, ध्वनि की क्वालिटी मीन्स साउंड की क्वालिटी या टिम्बर क्या है, वहां आप उसका प्रयोग कर रहे हो। और आप धूप बत्ती जला रहे हो तो वहां पर विसरण का प्रयोग कर रहे हो, डिफ्यूजन का प्रयोग कर रहे हो, मिस गैस के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, उसका आप प्रयोग कर रहे हो। फिर आप जो है अदर जितने भी अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी करते हो, सब में फिजिक्स रची बसी हुई है। कपूर जलाओगे, भगवान की आरती करोगे, कपूर बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां भी तो फिजिक्स है ना, वहां आप सब्लिमेशन यूज कर रहे हो, ऊर्ध्वपातन यूज कर रहे हो। तो डेली लाइफ में ये फिजिक्स जब हमारी हमारी दोस्त की तरह घुसी है, रची बसी हुई है, तो आखिर फिजिक्स हमें क्यों टफ लगती है?
बिल्कुल टफ नहीं है, बिलीव करना होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, एक दिन आप फिजिक्स में इतना टॉपर, इतने अच्छे महसूस करेंगे कि शायद आपको उतना अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं लगता होगा, ठीक ना। ऐसा कह नहीं रहा हूं, ऐसा करूंगा, ऐसा ये आपके बीच रहने का रिजल्ट है, बच्चों के मार्गदर्शन का रिजल्ट है, उनके बीच में रहने का, उनके क्वेश्चन फेस करने का, इस सब्जेक्ट के साथ जीने का, इस सब्जेक्ट के साथ सोने का ही नतीजा है कि मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं कि नहीं, एक दिन मैं आपको फिजिक्स में जरूर टॉपर बनाऊंगा, फिजिक्स की हर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स के हर फॉर्मूले को समझना होगा, उसके डेरिवेशन को समझना होगा, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और सबसे मेन पॉइंट ये देखना होगा कि कोई फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई होता है। क्या वहां द्रव्यमान नियत है, मास कांस्टेंट है, तब अप्लाई होगा। क्या वहां लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग संरचित है, तब अप्लाई होगा। आप वहां न्यूमेरिकल करके आते हो, अप्लाई करके आते हो, आंसर गलत होता है, आके कहते हो सर आपने कहा था हमने अप्लाई किया। नहीं बेटा, मैंने ये भी कहा था कि इस कंडीशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर वो कंडीशन नहीं याद रखोगे तो आप वहां धोखा खा जाओगे। आप कहोगे सर मैं तो सब सही करके आया, आखिर मेरा आउटपुट कम क्यों आया। तो हमें उस कमी को दूर करना होगा, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी एनर्जी देगा, इतना इतने कॉन्सेप्ट देगा, इतना अच्छा गाइडेंस देगा कि आप लाइफ में सोचोगे काश यार फिजिक्स ऐसी मिल जाती तो मैं आज के पहले ही टॉपर हो गया होता। आपको फिजिक्स में हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे सीखें, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करें, और कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, आंसर आ गया, तो ये सीखना कि सही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया या मिस कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ये एनालाइज करना आपको सिखाएंगे। और साथ साथ बच्चों आपको ये हम सिखाएंगे कि न्यूमेरिकल में 1,00,000 न्यूमेरिकल, करोड़ न्यूमेरिकल नहीं करने हैं आपको, मैं कॉन्सेप्ट हर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड केवल 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन नहीं बच्चों, ढेर सारे क्वेश्चन की नहीं, ढेर सारे उसकी नहीं, केवल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, एक कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पर क्लियर करके फिर प्रैक्टिस किया तो आप आने वाले समय में हर वैरायटी के क्वेश्चन को करने का कॉन्फिडेंस रखेंगे, ये मैं पूरे क्लेम के साथ कहता हूं। चलो अच्छा मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने आपको 1,00,000 क्वेश्चन करा दिया, तो क्या 1,00,000 1 क्वेश्चन नहीं बन सकता है, उस पर बन सकता है ना। तब परेशान हो जाओगे, यार ये क्वेश्चन तो सर ने कराया नहीं, मैं कैसे करूं, आप परेशान हो जाओगे, तनाव में आ जाओगे। लेकिन नहीं, मैं आपको क्वेश्चन रटाना नहीं, ढेर सारे क्वेश्चन कराना नहीं, उसकी कॉन्सेप्ट को सीखना, उसको अप्लाई करना, उसको हम जो है यूज करना सिखाएंगे। अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने आपको रेसिपी दे दी, खाना बनाने वाली किताब, आपने पूरी रट ली, फिर कह दूं आप खाना बना दो, तो अच्छा खाना बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना, नहीं बना पाओगे ना। सेम वही चीज हमारी फिजिक्स के साथ है बच्चों। हम क्या करते हैं कि पूरी फिजिक्स को पढ़ लेते हैं, कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा पढ़ने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल करने बैठते हैं, तो प्रॉब्लम होती है कौन फॉर्मूला अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, वहां पर हमारे सामने प्रॉब्लम आने लगती है। इस चीज को दूर करना होगा। हम क्या करेंगे, हम आपके को सेलेक्ट कराने के लिए हर एक कांसेप्ट को सिखाएंगे और उस कांसेप्ट पर तुरंत उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। जिस दिन आप कांसेप्ट न्यूमेरिकल, कांसेप्ट न्यूमेरिकल, कांसेप्ट न्यूमेरिकल, कांसेप्ट न्यूमेरिकल के कांसेप्ट पर आए, उस दिन आपकी फिजिक्स नहीं किसी भी सब्जेक्ट की कांसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप केवल अपना एनडीए का एग्जाम ही नहीं, डिफेंस के जितने एग्जाम हैं, फ्यूचर के जितने एग्जाम है जहां फिजिक्स आती है, वहां आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। इसके साथ हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा ये करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको प्रैक्टिकली तरीके से वहीं आपको सीखना सिखाएंगे, वहीं अप्लाई करना सिखाएंगे। बर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज हम आपको ला करके दिखा करके हाथ से करा के दिखाएंगे, प्रिज्म है हाथ से करा के दिखाएंगे, हाँ, और ग्लास स्लैब उसको हम हाथ से करा के दिखाएंगे। परावर्तन है, अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन है, इसके कॉन्सेप्ट को हम आपको जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको सिखाएंगे। और सबसे सबसे खुश नसीब आप हैं, सबसे लकी बात यह है कि हमारे यहां हमारे अनुज
इनोवेटिव डायनामिक पर्सनालिटी के और एक लंबे अनुभव वाले दिन रात सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेटेड गौरव सर हैं, जो कि आपको मैथ में इतने अच्छे से गाइडेंस करते हैं कि आपका मैथ तो 100% स्कोर होगा ही होगा। ये उनके डेडिकेशन का, उनके मेहनत का नतीजा है, ठीक ना? इसलिए मैं ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि मैथ आपके लिए तो बिल्कुल चुटकी बजाते सॉल्व होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका डिफेंस, एयरफोर्स ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। उसके लिए मैं आपको डिफरेंट ब्रांचेज के, फिजिक्स में कई पार्ट हैं, आप जिसको मैकेनिक्स या यांत्रिकी कहते हो, आप जिसको करंट, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा कहते हो, आप जिसको मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी कहते हो, आप जिसको प्रकाश या लाइट कहते हो, आप जिसको हीट और थर्मोडायनेमिक्स कहते हो, आप जिसको वेव या तरंग कहते हो, आखिर इन पार्ट से जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको कैसे आप अप्रोच करो कि आप विद इन 40 से 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो। देखो बच्चों, मित्रों, बात फिजिक्स सॉल्व करना नहीं है, फिजिक्स सबको आती है, आपको भी आती है, आपने इंटर 10+2 पढ़ा है, आगे पढ़ाई की, हमें भी आती है, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर विद इन 40 सेकंड 50 सेकंड जो गुरु आपका फिजिक्स आपको कराने की कैपेसिटी कर ले जाएगा, वो आपका सिलेक्शन जरूर ले जाएगा। आपको पीएचडी नहीं करना है बच्चों फिजिक्स में, आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, एक सीट क्रैक करनी है, तो आपको ये देखना है कि किन टेक्निक के साथ, किन हम स्ट्रेटजी के साथ, किन गुरुमंत्र के साथ 40 से 50 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करके अपनी एक सीट सिक्योर कर लें। और सबसे मेन पॉइंट, जो हमें बनना है वही सोचे, उसी के विषय में सोचे, उसी के विषय में जगे, उसी के विचार करें, उसे वो चीज हमारे खून में, ब्लड में रच बस जानी चाहिए। अगर आप एक आर्मी ऑफिसर बन लेते हैं तो आपके अंदर एक आर्मी ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, उसी जैसी एनर्जी, उसी जैसी एंथुसियाज्म, उसी जैसा उत्साह और उसी जैसी डिसिप्लिन होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट, जैसे मेरा एनडीए में जब सिलेक्शन हुआ था, हमारा बनारस में इंटरव्यू पड़ा था, तो मेन प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपका एनडीए उसी आर्मी ऑफिसर जैसा होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं कि आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, आर्मी अफसर, एयरफोर्स ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता, जो कि सबसे शानदार करियर है, जिसमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है और साथ साथ आपका करियर तो समरता ही है। तो आइए हम डिस्कस करें कि डिफरेंट जो फिजिक्स में चैप्टर हैं उनके कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपके सामने ये प्रूव करना चाहता हूं कि वाकई फिजिक्स इजी है, वाकई फिजिक्स को किया जा सकता है, वाकई फिजिक्स को 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइए हम देखें कि कैसे किया जा सकता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब हम देखें कि ये जो फिजिक्स है इसके न्यूमेरिकल को आप जादू की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुरु मंत्र क्या है, इसके शॉर्टकट क्या हैं, और विद इन 40 से 50 सेकंड के अंदर आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। ये तो केवल मैं महज कुछ एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, और जब हम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में होंगे तो ऐसे होल ऑफ द फिजिक्स को आपको इसी तरह मास्टरी करना मैं आपको सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेके बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे अच्छा जो टॉपिक है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, वो है मैकेनिक्स, जिसे आप क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका ट्रिक क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको सीखना होगा। मैकेनिक्स आपके एयरफोर्स, एनडीए, नीट, आईआईटी, इन तीनों के बच्चों के लिए चैलेंजिंग है। तो हमें इसको इतना आसान बना देना है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए, यार ये तो सबसे आसान है। आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम पहला प्रश्न ले रहे हैं,
मैकेनिक से या यांत्रिकी से, कहां से ले रहे मैकेनिक से या यांत्रिकी से, कहां से ले रहे मैकेनिक से या यांत्रिकी से। चलो प्रश्न सुनिए, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 50% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 50% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब बच्चों, यदि किसी वस्तु के का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए, 50% इंक्रीज कर दिया जाए, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। एक बार मैं फिर रिपीट करूं प्रश्न को, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन का। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज चेंज्ड बाय 50% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप इसको बच्चों वैसे एकेडमिक मेथड से करोगे तब तो आपको इसको करने में 10 से 20 मिनट लग जाएंगे और 10 से 20 मिनट में आप रेस में पीछे हो जाओगे, आपके अदर सब्जेक्ट का टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अब आपको जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा मेंटर हो, एक ऐसा गुरु हो जो आपको इसको चुटकी बजाते सॉल्व करना कॉन्सेप्ट के सहित बता दे। तो आइए पहले हम कॉन्सेप्ट पर एक जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसमें जितनी गति की मात्रा होती है उसी को उसका संवेग कहते हैं। मींस किसी भी गतिशील वस्तु के अंदर पाई जाने वाली गति की मात्रा को हम उसका संवेग बोलते हैं। तो किसी भी गतिशील वस्तु के में पाई जाने वाली गति की मात्रा को उसका संवेग बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। मोमेंटम को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। मोमेंटम में प्रतिशत परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल इनटू 100 से। गतिज ऊर्जा क्या होती है किसी भी वस्तु के अंदर? देखो बच्चों, इस समय मेरे अंदर कम एनर्जी है ना, लेकिन ये देखिए अब इस समय मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, मैं मोशन में आ गया। तो किसी भी वस्तु के अंदर उसके गति की वजह से, उसके मोशन की वजह से जो उसके अंदर वर्क कैपेसिटी होती है, मींस कार्य करने की क्षमता होती है, उसे उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। मींस द एनर्जी कंटेंड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन स्टेट। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? के से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये रही गतिज ऊर्जा, ये रहा रेखीय संवेग या संवेग। तो अब हम देखें कि इस प्रश्न को अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको 40 सेकंड के अंदर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके अपना सिलेक्शन पक्का और आपके कल के विनर बनेंगे। तो आइए देखते हैं, जब भी हमें गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो या किसी भी भौतिक राशि में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो बच्चों, तो याद रखना ये आ जाएगा डेल्टा के अपान के इनटू 100। डेल्टा के का मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। के का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इनटू 100, 100 का मतलब प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत 100 में पर, तो हमें प्रतिशत में निकालना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 upon P1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। P2 माइनस P1 होल स्क्वायर माइनस 1 इनटू 100। ये है गुरु मंत्र। क्या है गुरु मंत्र? किसके लिए? फिजिक्स के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
अब आपको इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा के अपान के इनटू 100 को बोलते हैं डेल्टा के परसेंट। क्या बोलते हैं? डेल्टा के परसेंट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपान इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। अब पी टू और पी वन के विषय में बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ अगर आपके आपकी अभी इनकम अभी आपके जेब में 100 रुपए हो और हम कह दें कि बताओ 50% इंक्रीज हो गए तो फिर कितने कितने रुपए हो जाएंगे? मीन्स आपके जेब में अभी 100 रुपए हैं, हम कह दें 50% बढ़ गए रुपए, तो बताओ फिर आपकी जेब में कितने रुपए हो जाएंगे? जोर से बोलो 150। वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, 150 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो अब वो कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन 50% कर दिया गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम प्रारंभिक संवेग को 100 मान लें तो अंतिम संवेग कितना हो जाएगा? 100 में 50 और जोड़ दो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ राइट करने जा रहे हैं पी टू को, हम राइट करने जा रहे हैं 150, पी वन को राइट करने जा रहे हैं 100 और इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया, माइनस 1 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इनटू 100 कर दिया। अब एक बार मैं फिर बता दूं 150 अपॉन 50 क्यों लिखा गया। आपका प्रश्न यह था कि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा रहे हो, तो अगर हम प्रारंभिक संवेग को 100 मान लें, हमें कुछ दिया तो है नहीं, तो 50% बढ़ा दोगे तो अंतिम संवेग 100 में 50 जोड़ दो 150 हो गया। मींस अगर इनिशियल मोमेंटम को हम 100 मान लें तो फाइनल मोमेंटम 100 में 50 ऐड कर लेंगे, 150 हो गया। ओके, तो P2 कितना हो गया बच्चों? 150। P1 कितना हो गया? 100। तो यहां पर आपने देखे 150 अपॉन 100 कर दिया, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 अपॉन 10 करोगे कितना आएगा? 1.5। कितना आएगा? 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा? 100। अब 1.5 का स्क्वायर क्या करना है, इसमें आप 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 आ जाएगा, और आपका ये आ जाएगा 2.25 आ गया माइनस 1, और इनटू आपने क्या कर दिया? 100 कर दिया। क्या कर दिया? 100 कर दिया। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 225। डेसिमल कितने प्लेस पर? 2 प्लेस पर। तो ये कितना आ जाएगा? 1.25 इनटू 100 कितना आ जाएगा? 125%। कितना आ गया? 25%। ये रहा आपका आंसर। और इतना करने में बताओ बच्चों आपको कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। कितना लगेगा? राइट आंसर ओनली 30 सेकंड। कितना लगेगा? राइट आंसर ओनली 30 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपने ये गुरु मंत्र सीख रखा है। किससे? फिजिक्स गुरु डॉक्टर यूके मिश्रा से। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और आपके लिए ये बोनस हो जाएगा, अदर सब्जेक्ट का मार्क्स आपका बच जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना कि मैं आपको राउंड द क्लॉक यहां प्रिपरेशन कराऊंगा, मींस विद इन टाइम के अंदर हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, जिससे आप आने वाले समय में एग्जाम को इजीली क्रैक कर सके। अब आइए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर सभी बच्चों को? क्लियर पीछे वाले स्टूडेंट, बीच वाले? वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट क्लास। अब हम बात करते हैं, ये तो मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन रहा। अब आइए हम आपको मैकेनिक्स के एक दूसरे क्वेश्चन के का गुरु मंत्र बताते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपको आता है एग्जाम में और आपको बड़ा टफ लगता है, तो टफ तो है ही नहीं फिजिक्स। आइए देखिए, ये कोई एक पुली है, देखो बच्चों ये एक पुली है। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक्स इन द फिगर, नीचे दिए गए चित्र में ब्लॉकों का त्वरण ज्ञात करना है। क्या? एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? त्वरण फाइंड आउट करना है। एक है यमोन मास, एक है यम2 मास, एक है यमोन मास, एक है यम2 मास, एक पुली पर रखा हुआ है, पुली यहां से सपोर्ट है, हमने यम2 को यमोन से बड़ा मान लिया, M2 greater than M1 हो ले लिया, और हमने इसकी वैल्यू भी कंसीडर कर ली। मान लो M1 10 kg है, M2 20 kg है। अब आपको इसका त्वरण निकालना है, इसका एक्सलेशन निकालना है। चलो सोचें, देखो ये M2 जो है वो हैवियर है, M2 भारी है, तो M2 किधर जाएगा? नीचे, नीचे की ओर जाएगा। M2 किधर जाएगा बच्चों? नीचे की ओर जाएगा।
यमोन लाइटर है और यमोन हल्का है और इसी डोरी से बंधा हुआ है सेम स्ट्रिंग से, तो यमोन किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से बंधी हुई हो या किसी भी कॉर्ड से बंधी हुई हो तो सबका एक्सेलरेशन सेम होता है। अगर यहां पर यम टू नीचे की ओर जो है प्लस ए एक्सेलरेशन से चलेगा तो यम वन ऊपर की ओर माइनस ए एक्सेलरेशन से चलेगा। ये बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये बात फिर से सुन लो, जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग से अटैच कर दिया जाए तो सबके एक्सेलरेशन सेम होते हैं। जब अलग अलग वस्तुओं को किसी डोरी से जोड़ दिया जाए और उनमें किसी एक को गति कराया जाए तो सब उसी त्वरण से उसी एक्सेलरेशन से गति करती हैं। अब हमें निकालना है कि इसका जो है वो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसका गुरु मंत्र देखें कि एग्जाम में आएगा तो कैसे आप इसको सेकंडों के अंदर करेंगे। इसका गुरु मंत्र ये है, सुनो बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल टू, अब सुनिए, ज्यादा वाला मास माइनस कम वाला मास, क्या ज्यादा वाला मास माइनस कम वाला मास, और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपॉन दोनों मास का टोटल, दोनों मास का टोटल। तो मीन्स ज्यादा वाला मास माइनस कम वाला मास अपॉन टोटल मास का टोटल इनटू जी, मीन्स हैवियर मास, हैवियर मास माइनस लाइटर मास अपॉन सम ऑफ द टोटल मास इनटू जी। अब यहां जी क्या है? जी है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। कितनी वैल्यू होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन में आप अप्रोक्सीमेटली क्या ले लोगे? 10 ले लोगे। तो आइए हम देखें इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इक्वल टू एम टू, कितना है बोलो बच्चों, जोर से बोलो, 20 केजी। यमोन कितना है? 10 केजी। और इनटू कितना है? जी अपॉन यम टू प्लस यमोन कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20, 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 20 प्लस 10 कितना होता है बच्चों? 30। और इनटू जी ये कितना आ जाएगा? जी अपॉन 3 अपवर्ड, किसका? छोटे वाले का। और बड़े वाले का क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ये आ जाएगा बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ओके? और कितना टाइम लगा आप बताइए? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ओके 25 सेकंड ही लगे। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जब भी एग्जाम में आएगा आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। क्या याद रखेंगे? हैवियर मास माइनस लाइटर मास अपॉन टोटल मास इनटू जी, बस ऐसे रखेंगे। और यम टू यम वन आपको एग्जाम में दिया होगा, आप वैल्यू पुट करेंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, हैवियर वाला नीचे चलेगा, लाइटर वाला ऊपर चलेगा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगी, मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ये रहा मैकेनिक्स के 2 क्वेश्चन। ऐसे मैकेनिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सबके आपको 40 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर बिना पेन चलाए आपको सारे न्यूमेरिकल यही करने होंगे, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेज में। फिर आप कहोगे अरे सर ये तो फिजिक्स मेरे लिए बिल्कुल जादू हो गई। हाँ आपको जादूगर बनना है फिजिक्स का। अब हम एक क्वेश्चन बात करते हैं, हम क्वेश्चन बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम उसको देखें कैसे आप सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, ओके देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन बड़ा फेमिलियर है आपके यहाँ, कई बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। वो है इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल परसेंट फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी तार की लंबाई को डेल्टा एल प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी?
फिर से सुन लो, यदि किसी तार का की लंबाई डेल्टा एल प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके यहाँ आया हुआ न्यूमेरिकल है ये कि यदि किसी तार की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसका प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये आपके यहाँ आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, जिससे आप 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और आपका सिलेक्शन पक्का श्योर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये आपका गुरु मंत्र नंबर थर्ड है। क्या है? गुरु मंत्र नंबर थर्ड है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रतिशत परिवर्तन। किसमें फाइंड आउट करना है? प्रतिरोध में। किसमें फाइंड आउट करना है? प्रतिरोध में। क्या दिया गया है हमें? लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन दिया गया है। तो इसके लिए गुरु मंत्र होता है बच्चों डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू इसका गुरु मंत्र है बच्चों डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू डेल्टा एल परसेंट 1 + L2 / L1। डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू डेल्टा एल परसेंट 1 + L2 / L1। अब आइए देखिए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डेल्टा आर परसेंट होता है कि प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। डेल्टा एल परसेंट आपको दिया गया है, एल टू दिया गया है, एल वन दिया गया है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सपोज कर लो आपको कह दिया गया, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो आपको कहा गया कि किसी वायर की लंबाई 25% बढ़ा दी गई, ठीक ना। आपको दे दिया गया कि किसी वायर की लंबाई 25% बढ़ा दी गई, 25% बढ़ा दी गई। बताइए कि उसका रेजिस्टेंस कितने प्रतिशत बढ़ जाए आएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, ये बताओ कि अगर अभी आपके 100 मार्क्स है मान लीजिए और आपसे कहा जाए कि आपके मार्क्स 25% बढ़ गए तो बताओ कितने मार्क्स आपके हो जाएंगे। कौन बताएगा? वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपके 125 मार्क्स हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर अभी आपके जो हैं वो 100 मार्क्स हों और 25% बढ़ जाए, 25% इंक्रीमेंट हो जाए, तो फिर 125 हो जाएंगे, मीन्स 125 हो जाएंगे। तो अगर हम ये कह दें कि अगर अभी किसी वायर की लंबाई 100 है, अगर 25% बढ़ा दोगे तो वायर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। पक्का ना? श्योर? तो देखिए वेरी इजी, ये क्वेश्चन तो आपका 20 सेकंड में निकलेगा। आइए देखिए डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल परसेंट कितना है? 25% 1 + L2। अब एल टू पर ध्यान देना, L1 को 100 मान लो, L2 25% बढ़ गया तो L2 कितना हो जाएगा? 125, 100 एंड 25, तो हमने L2 को क्या लिख दिया? 125, L1 कितना हो गया? 100। अब आप देखें ये आपका हो गया 25, ये हो गया 1 + जब किसी चीज को 100 से विभाजित करते हैं तो दो अंकों पर दशमलव लग जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 1.25, तो ये आपका जाएगा 25 × 2.25, ये हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 × 2 = 50 और 10 = 62, तो ये आपका आ गया 56.25%। ये आपका प्रतिशत परिवर्तन आ गया किसमें? प्रतिरोध में। किसमें आ गया? प्रतिशत प्रतिरोध में परिवर्तन आ गया। अब अगर यहीं पर आपसे कहा जाए, ये कई बार क्वेश्चन आया है आपके यहाँ एयरफोर्स और एनडीए में और मेडिकल में, कि अगर किसी तार की लंबाई को खींच करके यन गुना कर दिया गया, किसी तार की लंबाई को खींच करके यन गुना कर दिया गया, बताइए उसका रेजिस्टेंस कितने प्रतिशत परिवर्तित हो जाएगा। तो उसके लिए आप सीधे सीधे गुरु मंत्र अप्लाई कर देंगे कि डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू यन स्क्वायर माइनस 100 कर देंगे, एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि किसी वायर की किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया गया, बताओ उसका प्रतिरोध कितने प्रतिशत बदल
जाएगा। तो यहां क्या करिए, एन की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 800%। कितने परसेंट? 800%। मान लो आपके यहां क्वेश्चन आ गया, किसी तार की लंबाई को खींच करके डबल कर दिया गया, दूना कर दिया गया, दुगनी कर दिया गया, अब बताओ प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, 300% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 300% आ जाएगा। इसी तरीके से एक प्रश्न यहां से आता है कि किसी तार को खींच करके उसके त्रिज्या को पहले की आधी या पहले की तिहाई कर दिया गया, अब बताओ कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा प्रतिरोध में? उसके लिए मैं आपको गुरु मंत्र बता दे रहा हूं, उसके लिए है आपका डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू एन टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। ये आ जाएगा स्मॉल एन टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100 आ जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल ले लूं, आपसे कहा गया कि किसी तार की को खींच दिया गया जिससे उसकी त्रिज्या पहले की आधी हो गई, तो यहां एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। और आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो यहां पर एन की वैल्यू 2 रख दो, 2 द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, 2 की घात 4 कितना होता है? 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। तो जब किसी तार को आप खींचते हैं तो वो लंबाई में बढ़ता है, लेकिन साथ साथ उसका क्षेत्रफल और उसकी रेडियस, उसका डायमीटर, उसकी त्रिज्या, उसका व्यास कम होता जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? यहाँ एन की वैल्यू पुट कर दो, 2 दी पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, 15% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी फिजिक्स में जितने भी पोर्शन है, चाहे वो आपकी यांत्रिक की हो, मैकेनिक्स हो, चाहे वो प्रकाश हो, लाइट हो, चाहे वो आधुनिक भौतिकी हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो, जिसको आप उष्मा गतिकी बोलते हैं, चाहे वो आपकी जो है आपका जो भी पोर्शन हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेज इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर एक पोर्शन पर आपको इसी तरीके से साइट्रिक के तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि मेरा मकसद आपको पीएचडी कराना नहीं है, मेरा मकसद आपकी एक सीट रिजर्व कराना है कि कैसे आप 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपना सिलेक्शन पक्का कर लें और आने वाले समय के विनर बने, चीफ गेस्ट बने। मैं आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहता हूं, मैं आपको ऑडियंस का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। प्यारे बच्चों, जब हम आप ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो 30 मिनट का डेली का क्लास होगा, उसमें हम पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे, और उस कॉन्सेप्ट पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ऑन स्पॉट उसी समय हम उसको सॉल्व करा करके और आपको वहीं पर मेमोराइज करा देंगे, वहीं पर आपके दिमाग में उसको कॉन्सेप्ट सहित हम परमानेंट मेमोरी में आपके फीड कर देंगे, बाद के लिए उस सब्जेक्ट का टेंशन खत्म हो गया। एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए हमने प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी का क्वेश्चन उठाया, अब हम आपको बता देंगे कि रजिस्टिविटी क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या है, रजिस्टिविटी किन बातों पर डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, किन बातों पर चेंज नहीं होती है, इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, और ये सारी बातें जो है हम उसी समय आपको ऑन स्पॉट जो है लर्न करा देंगे। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेज में जब आप आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज, न्यूमेरिकल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक वीक में आपका स्पीड टेस्ट होगा उस, और कोशिश ये होगी कि बिना पेन चलाए आप हर एक क्वेश्चन जो है वो यहीं बेंच पर बैठ कर करके आप सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाए, ये चीज आपको। और ये तो फर्स्ट वीडियो है, ये तो आप सबको शेयर कर सकते हैं, आपके जितने अजीज मित्र हैं, जितने फ्रेंड हैं, जितने लोग हैं, सबको शेयर करिए, क्योंकि सबका भला हो जाएगा। सब जो तैयारी करें उनको पता लगेगा कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, क्यों पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है और अपने भविष्य को सिक्योर करना है। तो आपको अपने मित्रों को उसको शेयर करना है और जो है उनसे कहना है कि नहीं ये वीडियो जरूर देखें। और फ्यूचर में अगर आपको एकेडमिक तैयारी करनी है, आपको तब
तभी हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, मीन्स चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट सीएसआईआर का हो, या नीट का हो, या आईआईटी का हो, या एकेडमिक हो, उसके लिए भी हमारे पास आपको मेंटर मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, मीन्स हर एक फैकल्टी अपने में यूनिक होगी, जिसको आप अपना रोल मॉडल बना सको, जो आपकी जिंदगी में काम आ सके, जो आपको सिलेक्शन दिला सके, जो आपको ये कॉन्फिडेंस ला सके कि हाँ आपको फिजिक्स आने लगी, आपको मैथ आने लगी, आपको इंग्लिश आने लगी, बस आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको जो है वो लगना होगा, करना होगा पूरी एनर्जी के साथ। और अगर कोई क्वेरी है आपकी, भौतिकी में कोई भी प्रश्न हो, फिजिक्स में कोई भी प्रश्न हो, कहीं का हो, किसी लेवल का हो, कोई न्यूमेरिकल हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, अगर आज तक आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में उसको राइट करिए, शेयर करिए, हम जरूर आपको आपका आंसर देंगे। आपको गाइड करने में, आपका आंसर देने में हमें खुशी होगी, आपको हेल्प करने में हमें खुशी होगी, और जब आप राइट करेंगे तो हमें जरूर लगेगा कि हाँ आपने मेरी बात को जरूर सुना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग जरूर अपने दिल में उन बातों को रख कर करके और आने वाले समय में दूसरे के लिए एग्जांपल बन जाएंगे, आने वाले समय में टॉपर बनेंगे, आने वाले समय में अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, और वो देश की सेवा करते हुए एनडीए ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर कहलाएंगे। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बॉडी का विराम देता हूँ और आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं कि आइए और हमारे यहां हमसे शेयर करिए।